इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था या इसका जो हमारा पीसी वन था उसके अंदर मोर देन 1400 कैमरास इंस्टॉल करने थे थ्रू आउट क्वेटा सिटी। इसके अंदर मैं आपको बताता चलूं कि हमारे मोर देन 800 कैमरास इंस्टॉल हो चुके हैं, 800 से ज्यादा, जिनकी लाइव फीड हमारे पास कंट्रोल रूम में, जिसे हम यहाँ जब हम बैठे हैं इसकी इस पे आपको नजर आ रही है इसकी, इसके अंदर 6 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं जो कि क्वेटा की एंट्री और एग्जिट को कवर करते हैं रूट्स के हिसाब से। उसमें से 4 मुकम्मल तौर पे फाल हो चुके हैं और उस पे 4 के मैं आपको पॉइंट्स बताता चलूं तो एक द्रक्षा नाका है, एक हमारे पास योब रोड कुचलाक नाका है, तीसरा हमारे पास हन्ना का नाका है और पांचवा चौथा हमारे पास द्रक्षा नाका है। तो इसके साथ साथ जो दो हमारे पास अभी रह चुके हैं वो नौसार का और बलीली पे एक पॉइंट बनेगा जिसके अंदर हम ANPR कैमरास की मदद से जो हमारी मूवमेंट है गाड़ियों की और जो पर्सन्स की उसको हम रेगुलेट करेंगे। इस पे बैक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सेंटर फॉर मैनेजिंग द सर्वेलेंस सिस्टम्स, इस पे आपको बताता चलें कि हमारे पास करंटली इस अरेंजमेंट में जो हमारे कैमरास इंस्टॉल हुए हैं ये इतने एडवांस्ड हैं जो हमारा लाहौर सेफ सिटी है और इस्लामाबाद सेफ सिटी है, इन दोनों से एडवांस फीचर्स कैमरास इंस्टॉल हुए हैं यहाँ पे। उसकी मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स के साथ अगर रेफर करूँ तो वी हैव द कैमरास दैट कैन हैव द बिहेवियरल एनालिसिस के एक जगह पे के अंदर एक बंदा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैठा है तो हम उसके बिहेवियर को यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेंगे कि वो किस इंटेंट के साथ वहाँ पे जमा है। इसके साथ साथ हमारा हेड काउंट का है, अगर एक प्लेस के अंदर 5 या 5 से ज्यादा लोग जमा होते हैं तो हमने ऑटोमेटिकली इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर एक कमांड दी हुई है, वो हमें एक अलार्म जनरेट करता है जो कि हमें हेल्पफुल होता है अनलॉफुल असेंबली के लिए, लाइक जो हमारे प्रोटेस्ट्स हैं, रेड जोन है, TNT चौक है, हॉकी चौक है जहाँ पे हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली, या प्रेस क्लब है हमारा, उधर जो मूवमेंट होती है या लोग इकट्ठे होते हैं, मुश्किल लोगों की बात कर रहा हूँ जो राइटफुल प्रोटेस्टर्स हैं उनके बारे में भी हम उनको पेश की इतला देते हैं सो दैट के जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको हम बिफोर हैंड इन्फॉर्म कर दें कि उनके ऊपर जाके वो कार्रवाई करें। इसके साथ साथ इसका जो मेन एडवांस्ड सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी है उसमें हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा CRO का रिकॉर्ड, जो क्राइम का रिकॉर्ड है हमारे पूरे बलूचिस्तान का उसको हमने इसके अंदर फीड कर दिया है और इसके जरिए से हम स्क्रीनिंग करते हैं जिसके अंदर वो मैच करके बताता है कि ये बंदा किसी भी जुर्म के अंदर अगर इन्वॉल्व है तो उसकी पिक्चर्स ऑलरेडी इसके अंदर डिटेक्ट है, इसके अंदर वो डिटेक्ट करेगा कैमरा और ये रूटीन से मैन्युअली नहीं कर रहे हैं हम उसको, ये रूटीन में चल रहे हैं कैमरा और वो स्क्रीन उसको मैचिंग कर रहा है जिसका हमारा नाम है, इसको हम फेशियल रिकग्निशन के नाम से कर रहे हैं। फेशियल रिकग्निशन में अगर 70-80% कोई भी जो हमारी ऑलरेडी गिवन इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर हमारे क्रिमिनल्स का डेटा है, टेररिस्ट का डेटा है, अगर 70 या 70 से अबव उसके अंदर डिटेक्ट हो जाता है तो उस बंदे की इंफॉर्मेशन हम कंसर्न फील्ड ऑफिसर को, हमारी बेस को और हमारी पुलिस मोबाइल को बर्बक दे देते हैं और वो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। इसके अंदर भी आपको मैं दिखाऊंगा कि हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं। लास्टली इसमें हमारे क्रिमिनल एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने के लिए और बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बड़ा इफेक्टिव साबित हुआ है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि ये एंड यूजर की सर्विसेज जो हम अभी पिछले 6 महीनों से जब से ये प्रोजेक्ट पुलिस को हैंड ओवर हुआ है हमने क्या क्या चीजें कर ली हैं। नेक्स्ट, ये लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, इसमें मैं अगर आपको बताऊं बोल के तो हम इसके अंदर सर्वेलेंस ऑफ क्वेटा सिटी वाया सेफ सिटी कैमरास राउंड द क्लॉक 24/7 हमारी शिफ्ट्स काम कर रही हैं, पुलिस के भी हैं और जो प्रोजेक्ट के हमारे लड़के हैं वो इसको सर्विलेंस कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं एंटी रेजिट के साथ। देन सर्विलेंस ऑफ मेगा इवेंट्स, प्रोटेस्ट्स एंड अदर गैदरिंग्स, जितने भी हमारे मेगा इवेंट्स हैं इसमें मैं आपको इसके बाद जब हम नीचे फील्ड विजिट करवाएंगे तो स्क्रीन के ऊपर हम आपको दिखाएंगे कि हमने जो नेक्स्ट हमारा इवेंट आ रहा है मुहर्रमुल हराम का, उस पर हमने 7 मुहर्रम का जुलूस, 9 मुहर्रम का जुलूस और 10 मुहर्रम का, जो 3 हमारे मेजर जुलूस है उनको हमने क्वेटा सेफ सिटी के कैमराज के साथ, D3C जो हमारे IG ऑफिस के कैमराज हैं उनके साथ और जिले इंतजामिया के जो एडिशनल कैमराज लगने हैं जो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स थे उनको हमने हाईलाइट करके दिया है और उस तमाम की फीड हम क्वेटा सेफ सिटी में रिसीव करेंगे और जो हमारा मेन कंट्रोल रूम बनेगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्वेटा और बलोचिस्तान गवर्नमेंट का वो यहाँ पे होगा जिसके अंदर CM, चीफ सेक्रेटरी, IGs और बाकी हायर डिग्निटरीज इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू
will definitely visit on 10th Muharram, inshallah. So we will show you how we have done route surveillance, video surveillance or beforehand information sharing. What we have done is we have 21 Ramzan ka jaloos tha, jo ki usko bhi humne cover kiya hai. Baki jo mega events ho rahe hain hamare pichle dinon mein BTMs ke andar bahut bada program hua tha, literary festival, usko bhi humne outer cordon ke upar jo hamare safe cities ke cameras the usse cover kiya tha. Then hum aapko batata chalo ki checking and deployment of police personnel, ye ek bada acha features hai jo humne hamare ladkon ne khud ispe wo kiya kaam. Like hum polio duties lagate hain, hum elections ki duties lagayi thi. So we'll make sure karne ke liye ki kya hamare jawan timely aur apne designated spots ke upar pahunche hain, aur agar wo pahunche hain to wo kis conditions mein pahunche hain, like unke paas weapons maujood hain, wo bawardi halat mein maujood hai aur wo duty kis tarah saranjam de rahe hain, to hum from time to time unki deployment ki screenshots apne seniors ke sath share kar rahe hain, so that ki agar kisi ki tarah bhi koi complaint aati hai to wo hum unko bata sake. Then monitoring of sensitive installations in building under threats. ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं इसकी हम आपको विजुअल जस्ट दिखाएंगे तो आपको तो उस पे आपको अंदाजा हो जाएगा. हमारे पास जो मेजर सर्विलेंस है ऑफ द सेंसिटिव बिल्डिंग्स, खासतौर पे रेड जोन के तमाम एरियाज हैं, उस पे हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, हमारे पास एम्बेसीज हैं, सीपीओ है, उसके अलावा एयरपोर्ट है, जहां जहां पे वाइटल इंस्टॉलेशन हमारी है उनकी हमने कॉन्स्टेंटली फिक्स कर दी है उस कुछ कैमराज को उन बिल्डिंग्स के ऊपर, सो दैट के कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी मूवमेंट वहां पे होती है या एक गाड़ी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वहां पे स्टे कर रही है, तो हम उसको कन्वे करेंगे कि इसको आप चेक करें, क्योंकि हमारे फील्ड के अफसरान वहां पे मौजूद होते हैं. देन द सर्विलेंस ऑफ वीवीआईपीज एंड वीआईपी रूट्स, जिस तरह आपने कल के इवेंट में देखा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आए थे, इससे पहले हमारे पास प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए, जो हमारे वीवीआईपी रूट्स है जो डिक्लेयर्ड है ब्लू बुक के अंदर, हम उनकी भी जो सर्विलेंस है जो रूटीन की मूवमेंट है उसको हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस के तौर पे देते हैं, रादर देन के हम पहले कंट्रोल पे बताते थे उसमें कुछ गैप्स आ जाते थे, लाइक के रूट क्लियर है, आगे कुछ लोग मौजूद हैं या ब्लॉकेड है, तो जैसे ही हमारी वीवीआईपी मूवमेंट होती है या होने से पहले हम ये इंफॉर्मेशन अपने फील्ड ऑफिसर्स को शेयर कर देते हैं कि जहां जहां पे भी लूप होल्स हैं उसको प्लग कर ले. देन द डिटेक्शन ऑफ क्राइम इंसिडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मुतालिक आपको मैं दो तीन अपनी स्टोरीज बताना जरूर वो करूंगा आगे इसमें आएगा. हमने कुछ दो तीन ब्लाइंड मर्डर केसेस इसके जरिए से डिटेक्ट किए जो हमारी प्योरली था रिलेटेड टू सीरियस क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन विंग का. उसके साथ साथ जो हमारी एक्सीडेंटेड के केसेस हैं, पिछले दिनों एक मामला हाईलाइट हुआ था ब्यूटिंग्स की बस का वाकया था जिसमें एक बच्चा उनकी गाड़ी से नीचे आके गिर गया और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, तो हमने सेफ सिटी की मदद से उनको फुटेज दी कि इसमें एक्चुअल जो जो कल्प्रिट था या जिसका कसूर था क्या वो ड्राइवर का था या उसकी अपनी नेगलिजेंस थी उस बच्चे की, तो वो भी हमने उनको इन्वेस्टिगेशन टीम को यहाँ से प्रोवाइड की. इसके लिए हमने एक मैकेनिज्म डिजाइन किया है, उस मैकेनिज्म में हमारे पास नीचे आपको मैं विजिट करवाऊंगा हमारा एक एविडेंस रूम है, सो दैट के ये पब्लिक ये जो इंफॉर्मेशन है तो ये हम सबके हिफाजत के लिए और पब्लिक की सेफ्टी के लिए, लेकिन चूंकि इसका मिसयूज होने का और जो खतरा है जो कि हमें अक्सर केसेस पंजाब में भी मिले इस्लामाबाद में भी हमें देखने को मिला, हमने इसका मैकेनिज्म ये डेवलप किया कि एक हमारा परफॉर्मर है जिस भी हमारे आईओ को या जिस भी कॉमन पर्सन के साथ ये इवेंट होता है जब वो अपनी रिपोर्ट करता है तो वो खुद यहाँ पे नीचे आएगा आईओ के साथ, आईओ उस परफॉर्मर को फिल करेगा और हमारे रिकॉर्ड पे रहेगा कि इस बंदे को हमने इस टाइम की वीडियो दी है पर्टेनिंग टू दैट स्पेसिफिक केस या दैट स्पेसिफिक कंप्लेंट. तो इस पर हमारे पास हेरासमेंट के भी कुछ मामला हाईलाइट हुए हैं, हमने किसी भी इंफॉर्मेशन दी, ब्लाइंड मर्डर्स की दी, एक्सीडेंट्स की दी, कुछ चोरी करके जो यहाँ से गाड़ियां निकल रही थी, चूंकि हमें आपको आगे दिखाऊंगा जो हमारे ए एन पी आर कैमराज हैं दे डिटेक्ट द नंबर प्लेट्स, जो जो हमारी नंबर प्लेट्स हैं एंट्री और एग्जिट के ऊपर उसको वो कवर करते हैं, तो वो चूंकि अब फाल हो चुके हैं तो उसकी भी यूटिलिटी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज्यादा बढ़ जाएगी. लास्टली इसमें मैं आपको बताता चलूँ जो मोस्ट हमारा बहुत अच्छा इस पर चल रहा है वो हमारी है ट्रैफिक मैनेजमेंट. तो ट्रैफिक मैनेजमेंट है इसका हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको लेके जाएंगे ई चलानिंग की तरफ, जिस तरह लाहौर या इस्लामाबाद की तर्ज पे जाएंगे. फिलहाल हम रूटीन बेसिस पे अराउंड 80 to 100 चलान जो है हमारे उसमें रॉन्ग पार्किंग है, उसमें एंट्री ऑफ द हैवी व्हीकल्स इनटू द सिटी है, क्योंकि दिन के टाइम पे अलाउ नहीं है कि जो बड़े ट्रक्स हैं या जो गाड़ियां हैं वो उसके अंदर आ जाएं, या कुछ ऐसे रोड्स डिक्लेयर किए हैं ट्रैफिक पुलिस क्वेटा ने जिसके अंदर आप पार्किंग नहीं कर सकते,
तो अगर कोई इसके बावजूद उस पर वो कर रहा है या कोई वायलेट करके निकलने की कोशिश करता है, तो हम हमारे पास यहाँ कंट्रोल रूम में ट्रैफिक का कंट्रोल भी मौजूद है, हमारा 15 का भी सेटअप है, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्वेटा का कंट्रोल भी मौजूद है, तो उसके हम बता देते हैं, वो जाके उसको फिल फॉर उसकी चलानी होनी होता है चलानी कर देते हैं, अदरवाइज गाड़ी ब्लॉक की तरफ जाए तो वो कर देते हैं। अब अगले स्लाइड्स में मैं आपको सिर्फ पिक्टोरियल दिखाऊंगा कि हम कैसे कैसे इसको काम कर रहे हैं, तो काइंडली मेरी गुजारिश होगी कि आप जरा स्क्रीन को देखें। सबसे पहला ये सर्वेलेंस ऑफ 21st रमजान प्रोसेशंस रूट है, जो कि आगे हम आपको नीचे जाके अभी 10 मुहर्रम वाला भी दिखाएंगे, लेकिन ये हमने कर चुके हैं जो पिछले जनवरी में किया। नेक्स्ट, ये एक मर्डर केस था जो कि सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग ने ट्रेस किया, जिसको बलोचिस्तान चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने इसका नोटिस लिया, देन हमारे पास सीएम बलोचिस्तान ने इसके ऊपर स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए, तो जो हमारी सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम थी उसने इसको 24 आवर्स में ट्रेस किया। ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी के अंदर वो लड़का इसके नंबर प्लेट से हमें डिटेक्ट होता है, जो हन्ना में जाके ये गाड़ी रुकती है, फिर उसके बाद ये वापस जाती है। तो ये हमारा जो मेन बीए मॉल के सामने एएनपीआर कैमरा है उसकी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से हमने उसको डिटेक्ट करने में मदद मिली विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट, ये लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज है, इसको हम फ्रॉम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, रादर देन के पहले हम डिपेंडेंट थे अपॉन द बैंक्स अपॉन होटल्स या जो हमारे दूसरे कैमराज हैं उस पर हमें अक्सर इश्यूज थे कि कभी लाइट नहीं है, कभी उनकी फीड हमें मौजूद नहीं थी, या कभी वो जो हमारा ओनर है वो डिक्लाइन कर देता है हमें फुटेज नहीं देता। तो जो हमारे ये वाले कैमराज हैं लाइक 800 से ज्यादा ऑपरेशनल हैं और ये 420 किलोमीटर की हमारी वायर है ऑप्टिक वायर, उससे मोर और लेस क्वेटा शहर की तमाम मेन शाहराएं और मेन जो बिल्डिंग्स हैं और जो मार्केट्स हैं वो सारी कवर्ड है। तो ये आप सरीना चौक के सामने का व्यू देख रहे हैं, जिसको हमने सिर्फ ये इस तमाम हजूम को जमा होने से एडवांस में बता दिया था अपने स्टाफ को। नेक्स्ट, ये हमारी वीवीआईपी रूट मॉनिटरिंग है, आप देख सकते हैं कि हमारा रेड जोन के अंदर से मूवमेंट है या एयरपोर्ट से वहां आ रहे हैं। नेक्स्ट, ये ट्रैफिक वायलेशंस की आपको बता चुका हूं, ये उसकी कुछ पिक्टोरियल एविडेंसेस हैं। नेक्स्ट, ये सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर्ड वाया क्वेटा सीसीटीवी प्रोजेक्ट, लाइक कोई बंदा वहां पे छोड़ के चला गया, अगर हमारी पिकेट वहां पे इफेक्टिवली फॉल नहीं थी तो हम वाया इसके उसको इन्फॉर्म करते हैं टाइमली कि भाई ये एक चीज पिछले 4 घंटे से बड़ी खड़ी है तो इसको चेक किया जाए। नेक्स्ट, ये हमारी बहुत सक्सेसफुल कैंपेन रही है क्वेटा के हवाले से, गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये बाकायदा डायरेक्शंस हैं, आईजीपी साहब का बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन था इसके खिलाफ। तो इसमें मैं अगर आपको फैक्चुअली बताऊं तो हम 100 से ज्यादा गाड़ियों जो प्राइवेट गवर्नमेंट थे उनके खिलाफ कैंपेनिंग कर चुके हैं, इसका बहुत अच्छा सिस्टम्स है, जैसे ही हमारे कैमरा में ये डिटेक्ट होती है हम उस फिक्स्ड जो उस रूट के ऊपर कैमराज हैं उसके पीछे लगा देते हैं हमारा, और कंसर्न बेस जहां जहां से ये गाड़ी गुजर रही है उसको हम इतला देते जाते हैं और वो गाड़ी जाकर उसको पकड़ती है। अगर ये सरकारी हो तो हम उनको उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर देते हैं, अगर ये प्राइवेट गवर्नमेंट हो तो उनके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नेक्स्ट, ये हमारे पास पोलियो ड्यूटी की मॉनिटरिंग आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, जो हमारी डिप्लॉयमेंट होती है, ये हमारा एक बेसिक हेल्थ केयर यूनिट है, नीचे आप देख सकते हैं उसके सामने हमारे पुलिस के जवान अर्ली मॉर्निंग में लाइक 6 o'clock इन द मॉर्निंग वो पहुंच गए हैं और वो किस तरह ड्यूटीज अपनी सारे अंजाम दे रहे हैं। नेक्स्ट, ये अगेन आपको बताता चलूं, ये प्रोटेस्ट मॉनिटरिंग है वाया क्वेटा सेफ सिटी, हमें अक्सर देखने को मिलता था कि जो रिंग लीडर्स है जो यो शरपसंद अनासर हैं जो प्रोटेस्ट के अंदर कोई दंगा फसाद करते हैं, जो हमारी बिल्डिंग्स को या इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम यहां से उनके फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए से स्क्रीनशॉट्स लेके शेयर करते हैं टू द कंसर्न्ड बेस, सो दैट हमें एफआईआर के अंदर आसानी हो। नेक्स्ट, ये हमारा डुप्लीकेट नंबर प्लेट मॉनिटर्ड वाया क्वेटा सीसीटी प्रोजेक्ट, ये कुछ हद तक हमारा फॉल हो चुका है, लेकिन इसका हमारे सबसे पहले मेन इश्यूज है जो कि हमने कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुंचा दी है, जो हमारी नॉन कस्टम प्लेट्स व्हीकल है या जिनके नंबर प्लेट अभी नहीं लगे, लेकिन इसको जैसे जैसे हमारे साथ एक्साइज डिपार्टमेंट थोड़ी सी कोऑपरेशन उनकी रहेगी तो हम तमाम का डेटा यहाँ पे सेव कर लेंगे। अगर एक बंदे ने 2 नंबर प्लेट्स लगाई और वो गाड़ियां डुप्लीकेट में चल रही है तो वो भी हम यहाँ डिटेक्ट कर लेते हैं, ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है जो हमने करके इतला दी थी, तो ये हमारी सक्सेस स्टोरी में आया। नेक्स्ट, ये जायरीन के रूट मॉनिटर्ड है, जायरीन का हमारा बड़ा फ्रीक्वेंटली हमारे जो भाई हैं जो ईरान की तरफ जाते हैं उनकी मूवमेंट होती है रात के टाइम बहुत लेट आवर्स में, तो हम उनको वीडियो सर्वेलेंस से जो हमारा स्पिनी रोड है सारा जो वेस्टर्न बाईपास के जरिए से जाते हैं या एंट्री एग्जिट है उसको भी हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट,
ये अरेंजमेंट बाकी आपको मैं वर्बली इस पर बता दूं, जो ये वो कंपोनेंट हैं जो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं।